हे hey दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप लोग कैसे ग्रो ऐप का जो यहाँ पर आप लोग अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हैं, वो चाहे डीमैट अकाउंट हो, ट्रेडिंग अकाउंट हो। तो इसके लिए देखिए, ग्रो ऐप आपको एक फॉर्म देता है और आपको ग्रो ऐप कहता है कि इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। उस फॉर्म को फिलअप करके आपको ग्रो ऐप एक सेपरेट एड्रेस भी रहता है कि आपको इसको फिलअप करने के बाद इस एड्रेस पर कुरियर करवाना है। आप वो किसी भी कुरियर से करवा सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट से करवा सकते हैं। अब आपने उस फॉर्म को डाउनलोड तो कर लिया। देखिए, उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, मैं इस फॉर्म को कैसे भरूँ। तो अब दोस्तों देखिए, आप लोग कैसे उस फॉर्म को भरेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को एंजॉय करिए। देखिए, मैं लाइव आपके सामने इस फॉर्म को पूरा भरूंगा एंड आपको दिखाऊंगा आपको कैसे इस फॉर्म को भरना है, कहां पर किस चीज़ को भरना है, किस चीज़ को छोड़ देना, और आखिर देखिए आप लोग को कैसे कुरियर करना है। मैं आपको सारा प्रोसीजर दिखाता हूँ एंड देखिए यहाँ पर कुरियर करने के बाद कितने दिन में आपका यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो अकाउंट है वो बंद हो जाता है। तो देखिए, कुरियर करने के बाद देखिए सबसे पहले जो टाइम लगता है वो आपका कुरियर उनके पास पहुँचने के बाद 7 दिन के अंदर ये प्रोसीजर होता है। अब मानिए आप लोगों ने आज कुरियर करवाया, आप लोग की वॉट एवर लोकेशन कोई भी होगी, तो देखिए वो कुरियर कम से कम 3 से 4 दिन मिनिमम लगता है यहाँ पर उनकी लोकेशन पर जाने में। उनकी लोकेशन यहाँ पर देखिए कर्नाटक शायद से मुझे याद नहीं आ रहा है, बट देखिए यहाँ पर बेंगलोर है, तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर जाने में कम से कम 3-4 दिन लगेंगे। अब देखिए आप लोग पास भी रहते हैं वहाँ से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है, आसानी से ये चले जाएगा। तो आपको ऐसे इसको कुरियर करवा देना है। अब आप लोग इसको कुरियर करवा देते हैं, इसके बाद देखिए सिंपली ये जैसे उनको रिसीव होता है उनके ऑफिस में, ऑफिस में देखिए रिसीव होने के 7 दिन के अंदर ये आपका अकाउंट क्लोज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अकाउंट क्लोज करवाने की आप लोग कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। देखिए सबसे पहले आप लोग का जो ग्रो ऐप का वॉलेट बैलेंस है आपको उसको 0 रुपीज रखना होगा। इसके साथ ही साथ देखिए आप लोग जैसे यहाँ पर क्लोजिंग के लिए अप्लाई करते हैं, आपको ग्रो ऐप के अंदर से अपना अकाउंट लॉग आउट कर देना है एंड यहाँ पर देखिए बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारा वीडियो। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको कह दूँ, आपके पास देखिए ना कोई होल्डिंग रहना चाहिए म्यूचुअल फंड में, ना यहाँ पर कोई शेयर्स में है ना, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है भी तो आप लोग उसको किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा लीजिए तो काफ़ी अच्छी बात होगी, आप लोग इन सारी चीज़ों को कर लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग यहाँ पर जो ग्रो ऐप का अकाउंट क्लोजर है उसका फॉर्म कैसे भरेंगे। अभी दोस्तों आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ग्रो ऐप का अकाउंट क्लोजर फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के साथ साथ आप लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आ रहा है सबसे ऊपर एप्लीकेशन नंबर। आप लोग यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना एप्लीकेशन नंबर, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। अब देखिए उसके साइड में लिखा हुआ है डेट, यहाँ पर आप लोग ये जिस दिन यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उस दिन की डेट आपको डाल देना है। अब यहाँ पर देखिए क्लोजर इनिशिएटेड बाय, यहाँ पर बीओ का मतलब है इंडिविजुअल, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं डीपी का मतलब आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं यहाँ पर कोई ब्रोकर है आप लोग, तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना है। बट देखिए हम लोग तो इंडिविजुअल है ना, तो हम लोग को सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में बिठा लीजिए, आपको सिर्फ बीओ के ऊपर टैप कर देना है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर बीओ के ऊपर सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर मतलब देखिए बीओ को आपको सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पर आप लोग टिक का निशान लगा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग क्लोजर करवाना है आपका ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट। यहाँ पर देखिए डीमैट अकाउंट वो होता है यहाँ पर आपके शेयर्स स्टोर होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जहाँ पर आप लोग अपना पैसा ऐड करते हैं सबसे पहले, तो ये होता है यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट। अब चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हम लोगों को दोनों ही क्लोज करना है, तो आप लोग यहाँ पर जो बोथ दिख रहा है ना आपको इसके ऊपर टिक मार्क कर देना है। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर एड्रेस दिया है नीचे टू नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, आप लोग इस एड्रेस पर इसको भेज सकते हैं। साथ देखिए आप लोग जहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड करते हैं ना वहाँ पर भी आपको एक एड्रेस दिया जाता है, तो आप लोग उस एड्रेस के ऊपर भी इस फॉर्म को यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये रही मेरी डीपी आईडी, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डीपी आईडी के बाद मेरे पास आ रहा है क्लाइंट आईडी। अब देखिए क्लाइंट आईडी क्या है आपको मैं बता दूँ, आप लोग जब ग्रो ऐप के अंदर जाएंगे ना तो ग्रो ऐप के अंदर जाने के बाद आपको अपना डीमैट अकाउंट नंबर मिलेगा, तो डीमैट अकाउंट नंबर 16 डिजिट का होगा है ना, तो जो डीमैट अकाउंट नंबर की लास्ट वाली 8 डिजिट है ना वो यहाँ पर आप लोग की क्लाइंट आईडी है, तो आपको यहाँ पर ये एंटर कर देना है। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेडिंग एनएससी एंड बीएससी, आप लोग यहाँ पर कुछ भी ना करिए। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ द सोल होल्डर, मतलब आपका जो अकाउंट है यहाँ पर जिसके नाम पर अकाउंट है उसका नाम यहाँ पर आप लोग डाल दीजिए, आपका एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर जो सामने सिटी आ रहा है ना यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ये आपको सिटी डाल देना है। सिटी के बाद में यहाँ पर आप लोग को स्टेट डाल देना है, स्टेट के बाद में देखिए आपकी जो स्टेट का यहाँ पर पिन कोड है वो आपको डाल देना है। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आना कि देखिए रीज़न फॉर क्लोजिंग अकाउंट, तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान में रखिए, यहाँ पर आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं जैसे नॉट इंटरेस्टेड, कुछ भी यहाँ पर आप लोग रीज़न डालिए कि आप लोग किस कारण से यहाँ पर अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं। अब देखिए आपके अकाउंट में कोई भी बैलेंस यहाँ पर बच गया है ना,
तो अब यहाँ पर आप लोग इसको कैसे यहाँ पर कैसे यूज़ में लेना चाहेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही बताया था कि आपके अकाउंट में कोई भी बैलेंस रह जाता है तो आप उसको पूरा ज़ीरो कर लीजिए और आप अपने बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी। तो आप लोग देखिए यहाँ पर कोई भी बैलेंस आपके अकाउंट में आप लोगों ने नहीं रहने दिया है, आपने ज़ीरो रुपीज़ कर दिया, तो आप लोग यहाँ पर जो नॉट अप्लीकेबल आ रहा है ना उसको टिक मार्क कर दीजिए और ओके कर दीजिए, है ना। इसके बाद आप लोग फिर नीचे आ जाइए। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके अकाउंट में बैलेंस है, आप लोग किसी दूसरे डीमैट अकाउंट में या फिर ये कोई भी दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या रहा है, ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट और यहाँ पर देखिए नंबर गिवन बिलो, आप लोग इसके ऊपर चेक करिए और यहाँ पर आप लोगों को नीचे डीपी आईडी डाल देना है और उस दूसरे अकाउंट का क्लाइंट आईडी डाल देना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोगों को नीचे दिख रहा है देखिए बैलेंस प्रेजेंट इन अकाउंट फॉर टू बी, तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए यहाँ पर सोल होल्डर में आप लोगों को यहाँ पर नीचे जो दिख रहा है ना फर्स्ट सोल होल्डर, आप लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर डाल देना है और उसके बाद आप लोग कुछ भी नहीं करना है। सर देखिए यहाँ पर अनोलेजमेंट रिसिप्ट है तो यहाँ पर भी आप लोग को वही सेम चीज़ करना है, आप लोग को यहाँ पर डेट डाल देना है, डेट के साथ साथ आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग को फिर से वही डी पी आई डी क्लाइंट आई डी डाल देना है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है और इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, आप लोग यहाँ पर अपना रीज़न फॉर क्लोजर डाल देना है और फिर आप लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद देखिए नीचे पूछना है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट सील एंड सिग्नेचर, तो यहाँ पर देखिए डीपी पार्टिसिपेंट के यहाँ पर देखिए सील एंड सिग्नेचर, मतलब जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है वो रहता है सीडीएसएल, तो ये ग्रो ऐप वालों का खुद का फिर उसके बाद काम है, आप लोग को बस इतना प्रोसीजर कर देना है जो मैंने आप लोग बताया, आपको बस ऐसे ही यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। मैंने आप लोग को जिस तरीके से दिखाया ना आप लोग इस तरीके से फॉर्म को फिलअप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए आप लोग के पास यहाँ पर देखिए 7 दिन के बाद एक मेल आ जाएगा कन्फर्मेशन का, जिसमें जो आप लोग का अकाउंट है वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा।